मेरी प्यारी गांव वालों, मैं आखिरी कल्लू पंच ये चाहता हूँ कि मारपीट ना हो, पर आप लोग फिर भी रोज मारपीट करते हैं और पैगन जैसी शक्ल बना के यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज का मुद्दा आगे बढ़ाया जाए। पंत जी, महेश्वर हमार साइकिल चुरा लिया है। नहीं नहीं पंच जी, हम इसकी साइकिल कहे चुराएंगे? झूठा इल्जाम लगा हुआ था हम पे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अरे अरे रुको भाई रमेश, महेश। हाँ वही महेश, अभी हमारा फैसला नहीं सुनाया है। रमेश बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारी साइकिल चुराया है? अरे पगला होगा, हम अपन साइकिल चीलों ना का चुराई लिया सरवाई। हम पागल नहीं, इस गांव के महापंच हैं, समझे चिरकुट। एक के कंपनी की साइकिलें तो मैच नहीं करेगी, ऐसे तो हम भी कहते तुम्हारी बनियान चुरा के पहनी हो। लेकिन तुम्हारे जैसा फटीचर बेकारी आदमी हमारी कंपनी की साइकिल नहीं खरीद सकता। बड़ा पैसा तो इतना है ना, खड़े खड़े खानदान खरीद दे तुम्हारा भैया। ठेंगा खरीदो कि तुम्हारा समोसा गाड़ी में खातन खानदान खरीद दिया। मुझे कहा अपन चपरासी के तरह। चपरासी तो हर बाप। ये बाप पे मत जाना, नहीं मार के मुंह से फोड़ देंगे। इधर पर लो सदा जाओगे, हम बता रहे हैं अभी ये तुरंत। हैं लड़ ले जा, लड़के इसी मुंह से फोड़ फाड़ ले बच जा। जब यही करना था तो यहाँ का आए थे लोन लेने। बताओ बताओ रमेश, तुम्हारी साइकिल कैसे चोरी हुई? आखिरी बार तुम उसे कब देखे थे? पंत जी, 15 तारीख को हम रात को अपनी ड्यूटी पे से आए और अपनी साइकिल खड़ी करके सो गए। उसके बाद जब हम सुबह उठे तो हमारी साइकिल गायब थी। और ये महेश्वर, नई नई चमचमाती हमारी साइकिल ले गए चला रहा था। नहीं नहीं पंच जी, 15 तारीख को ही रात को हम गए थे और एक नई साइकिल खरीद के लाए थे और वही हम सुबह चला रहे थे। ये केस तो उलझता चला जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी उंगलियां नहीं है, आप नहीं बन पाओगे पट्टू मैन। अरे ये सब बकवास छोड़ो, सारा लफड़ा इस साइकिल का है, ऐसा करो ये साइकिल मुझे दे दो। हाँ हाँ ठीक है, ले लीजिए आप। अरे नहीं नहीं पंत जी, हम ड्यूटी कैसे जाएंगे? लो हो गया केस सॉल्व। बेटा महेश, अगर तुम ये साइकिल खरीदे होते ना तो तुमको इसकी कीमत पता होती और ऐसे ही नहीं तुम किसी को उठा के दे देते। माफ कर दीजिए पंच जी, माफ कर दीजिए। नहीं, अब तो तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा और न्याय के तौर पे तुम्हें पूरे गांव में पोछा लगाना पड़ेगा। तो चलो लग जाओ काम पे। Like a